हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग तो जानते होंगे कि जब अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन स्टोर से काफ़ी फ्रॉड होता है, कभी कभी मोबाइल मंगाते हैं और उसमें से साबुन की टिकिया निकलती है या पत्थर निकलता है, ऐसे कई सारे कंप्लेंट आप सुने होंगे। तो अमेजोन की तरफ से एक ऐसी सिक्योरिटी पैक आया है कि इसको आपको फॉलो करना है, तो इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना है अगर आप कोई भी कीमती चीज़ें मंगाते हैं, और जब पार्सल आप रिसीव करते हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो टिप है, यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ डू नॉट एक्सेप्ट टेम्पर पैकेट। आपको देखना है, जब आप पैकेट रिसीव करते हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि कहीं पे ये फटा हुआ ना हो। कहीं पे अगर ये मान लीजिए फट गया है तो उसको आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि अपना एड्रेस जो है उसको वेरीफाई कीजिए, आपका एड्रेस वेरीफाई कीजिए। मान लीजिए कोई आदमी ऑर्डर किया है और दूसरा पैकेट आपको डिलीवर हो सकता है, तो इस केस में आपको अपना एड्रेस भी वेरीफाई करना ज़रूरी है। ये तो हो गया नॉर्मल बातें। अभी अमेजोन की तरफ से कुछ स्टेप्स दिया गया है, उसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 स्टेप लिखा गया है, इसको आपको मैं समझा दूंगा। सुरक्षा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 किनारे पर दिखाई दे रहा है और विकृत ना हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3 मेंशन किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 है और इधर की तरफ से आपको 4, 5, 6 का नंबर दिख रहा होगा, इसको आपको जांच करना है। उसके बाद आपको देखना होगा कि यहीं पे जो पार्सल है, कहीं पे भी इसमें आपको जो सील होता है या मान लीजिए जो सेलो टेप बोला जाता है उसको, सेलो टेप कहीं पे भी अप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो हो गया होगा तो आपका पार्सल कोई खोल सकता है या खुला हुआ आया होगा। तीसरी बात ये है कि नीली सीलिंग टेप के बीच की रेखा किनारों के अलावा अन्य किसी जगह गुलाबी रंग का ना हो। यहाँ आपको यहाँ देखना है, ये जो सील है ये एक स्पेशल ग्लू से चिपकाया गया है। अगर मान लीजिए कोई खोल दिया है इसको, ठीक है, तो खोल दिया होगा तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का रंग दिखाया होगा, तो ब्लू कलर का रंग आपको दिखेगा। मान लीजिए कोई खोल दिया होगा तो ब्लू कलर का आपको पिंक कलर रंग दिखाई देगा, तो इसको भी आपको चेक करना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का बॉर्डर दिया गया है, इसमें वॉइड और टेम्पर्ड का निशान है, ठीक है। तो अगर कोई खोल लिया होगा तो इसमें वॉइड और टेम्पर दिखाई देगा। तो ये थे कुछ स्टेप्स, आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। और मान लीजिए कभी अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो सबसे पहले आप जब अनबॉक्सिंग करते हैं, इस पैकेट को जब खोलते हैं, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियोग्राफी कर दें उसका, ताकि अगर बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, ये सब होने के बावजूद भी कई बार हो जाती है, तो आपके पास उसका प्रूफ रहना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो आप कैश नहीं लड़ पाएंगे और अमेजन या फ्लिपकार्ट, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, आपको उसका हेल्प नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में सबके बारे में बता चुका हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।